गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वो पार्ट पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स से पहले वाला पार्ट पढ़ा था रिगार्डिंग दी लेयर्स ऑफ द नाउ लेट अस स्टडी द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएँ या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स से पॉलम मदर सेल्स या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का परिवर्तन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता है अधिकतर जातियों में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें कई समसूत्री विभाजन होने के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएँ बन जाती हैं और पराकण मातृ कोशिकाओं से बनते हैं लेकिन कुछ जातियों में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स केवल कुछ ही में कुछ ही समसूत्री विभाजन होते हैं और बहुत कम पोलन मदर सेल्स बनती हैं कुकरबिटेसी और मालवेसी कुल के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता और परागकण मातृ कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं और हर एक पोलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार हैप्लॉइड पॉलनग्रीन्स या माइक्रोस्पोर्स के समूह का निर्माण कर देते हैं और चार पोलनग्रीन्स के समूह को हम पोलन टेट्राड कहते हैं इफ़्यूसी दिस डायग्राम वॉलनग्रीन के फॉर्मेशन में ग्रेन के फॉर्मेशन में दिस इज ए डायग्राम के अंदर एक ग्रेन है यह माइक्रोस्पोर है इसके अंदर एक न्यूक्लियस है बी डायग्राम में इसके अंदर न्योसिस की फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं सी और डी डायग्राम में अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप चार न्यूक्लियाई बनते हैं और इसमें जो डी डायग्राम में जो तीन न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं ये टेट्राइडल फॉर्म में होता है इसलिए एक न्यूक्लियस उसके पीछे होगा तो इस तरीके से ये चार न्यूक्लियाई चार जगह पर बन जाते हैं और उनके चारों तरफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है अब उनकी चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है अब सेप्टा का फॉर्मेशन होना है तो जो पेराइटल वॉल है उसका निर्माण होगा पैराइटल वॉल का निर्माण दो तरह से होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। पैराइटल वॉल का निर्माण होने के बाद में स्पोर्ट एट्रैक्ट बन जाता है इस स्पोर्ट अट्रैक्ट की साइमल्टेनियसली जो एग्जाइन बनती है वह एग्जाइन के ऊपर स्पोरोपोलिन का डिपॉजिशन या प्रो आ, यूबी इस डिपॉजिट हो जाती हैं और अगर हम एक सिंगल स्पोर को देखें तो सिंगल स्पोर के अंदर एक पतली सी इंटाइन होती है उसके बाहर एक एक एग्जाइन होती है उसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है दिस इज़ द मूवमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ द पैराइटल वॉल दो तरह का पैराइटल वॉल का फॉर्मेशन होता है एक सक्सेसिव और दूसरा साइमल्टेनियस सक्सेसिव डिवीजन के अंदर क्या होता है जैसे जैसे विभाजन होता है आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे सेप्टा का फॉर्मेशन भी होता है जैसे कि दो न्यूक्लियाई बने उन न्यूक्लियाई बनने के बाद में बीच में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो कि सेंट्री फ्यूगल होता है वो सेंटर से लेकर बाहर की तरफ सेल प्लेट बनती हुई चली जाती है तो दो सेल बन गई अब इन दोनों सेल्स के न्यूक्लियाई वापस से डिवाइड करेंगे फिर से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल होगा सो दिस इज सक्सेसिव सैमल्टिन के अंदर क्या होता है कि जो विभाजन होता है वो इस तरीके से होता है कि पहले चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं फिर बाहर से लेके अंदर की तरफ सेंट्रपिटल फॉर्मेशन ऑफ दी सेप्टा होता है तो दो तरह का सेप्टा का फॉर्मेशन हो सकता है नौ जो पॉलग्रीन्स बनते हैं और स्पोर्ट एट्रैक्ट जो मिलते हैं वो पांच तरह के स्पोर्ट एट्रैक्ट मिलते हैं पहला है टेट्राहीड्रल या चतुष्फलकीय फलकीय हम लोग जानते हैं किसी भी प्लेन में हम देखें हमेशा हमें तीन दिखाई देते हैं चौथा उसके पीछे होता है दूसरा है आइसो या समद्वी किसी भी प्लेन से देखेंगे हमको चारों दिखाई देंगे उसके बाद में होता है क्रोसित या डिकसेट क्रॉसित या डिकसेट जिसमें दोनों डिविजन्स ऐसे होते हैं कि जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं पहला विभाजन जिस प्लेन में है उसके 90 डिग्री के एंगल पर दूसरा विभाजन होगा तो जैसे कि क्रोकस में मैग्नोलिया के अंदर डिकसेट टाइप का फरोइंग या फॉर्मेशन होता है उसके बाद एरिस्टोलोकिया के अंदर टी के तरह से होता है नीचे वाली जो सेल है उसमें डिविजन उस सेल के नीचे एक सेल बनेगी वो इस तरीके का विभाजन होगा और ऊपर वाली सेल के अंदर 90 डिग्री के एंगल पर डिवाइड होगी जिसके कारण टी की तरह का होता है उसके बाद आता है आ, लीनियर टाइप का डिवीजन जैसा कि हेलो फिल्ला के अंदर पाया जाता है चारों जो स्पोर्स है या चारों पोलग्रीन्स हैं वो सब एक सीरीज में विन्यासित होते हैं अब कुछ स्पीशीज होती हैं जैसे कि हमने एस्क्लिपेडेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्किडेसी की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सारे मिलकर के पोलिनिया बना लेते हैं सो so, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर हमको पोलिनिया दिखाई दे देता है अब डेहीसेंस कैसे होता है ग्रेन का वो ग्रेन का डहीसेंस ऐसे होता है कि सॉरी पोलसेक का डहीसेंस ऐसे होता है कि उसकी जो एंडसिम की सेल्स के अंदर रेशेदार स्थूलन होते हैं वो जल को अवशोषित करके पहले फूल जाते हैं तो जो ओस्टोमियम होता है या छिद्र होता है वो स्टोमियम बंद रहता है लेकिन जब वो परिपक्व होता है तो उसके अंदर से पानी निकल जाता है तो वो वॉल्स सिकुड़ जाती हैं और अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं और जो मार्जिन वाली स्टोमियम की तरफ वाली जो सेल्स हैं उनके अंदर रेशेदार स्थूलन होता नहीं है तो वो अंदर की तरफ से जाती हैं और वहाँ पर ओपनिंग्स बन जाती हैं जिनसे कि मेच्योर्ड ग्रेन्स बाहर निकलते हैं ये पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर जिसमें आपको तीन पोर्स दिखाई दे रहे हैं और एग्जाइन है इंटाइन है और इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं देर आर टू न्यूक्लियाई ये दो सेल्स होती हैं एक तो जनरेटिव सेल और दूसरी बड़ी सेल होती है जेनेटिव सेल जो होती है वो मेल गैमिट्स बनाती है और जो ऊपर वाली सेल होती है वो ट्यूब सेल कहलाती है अब वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है फूड मटेरियल होता है लार्ज और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जनरेटिव सेल छोटी होती है स्पेंडल शेप्ड होती है और उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जो कि वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही होती है तैर रही होती है लगभग सिक्सटी परसेंट स्पीसीज़ में ग्रीन्स जो होते हैं वो टू सेल्ड स्टेट में बाहर निकलते हैं लेकिन फोर्टी परसेंट स्पीसीज में थ्री सेल्ड स्टेट में निकलते हैं दैट इज़ ये जो जनरेटिव सेल है इससे दो मेल गैमेट्स भी बन जाते हैं तो अब ये जो दो मेल गेमेट्स होते हैं ये जा के फर्टिलाइज करते हैं एम्ब्रियोसेक के अंदर एक तो न्यूक्लियस इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक तो उसके अंदर एक्सेल है दो सीनाजिट्स होती हैं एंटीपोडल सेल्स होती हैं एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चैलेजल लैंड होता है और जो बीच वाली सेल होती है उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि सेंटर में आ जाते हैं अब जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो जो जर्म ट्यूब होती है वो दो जनरेटिव न्यूक्लियाई को लेकर के कैरी कर रही होती है ट्यूब न्यूक्लियस आगे आके चलता है और उसके पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस होता है या फिर दोनों मेल गैमेट्स होते हैं अब ये एंड से ये अंदर एंटर करता है दो मेल गैमेट्स में से एक मेल ये देखिए स्पर्म न्यूक्लिया दिखाई दे रहा है एक मेल न्यूक्लियस एक्सेल से फ्यूज़ करता है और दूसरा मेल दूसरा न्यूक्लियस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लिया ऑलरेडी मिल चुके हैं उसके साथ फ्यूज करता है दिस इज कॉल्ड एज दी डबल फर्टिलाइजेशन सो दिस इज द ऑफ टू मेल गैमेट्स इन दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थैंक यू